अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सुपौल के प्रतापगंज थाने इलाके में दुवनिया नहर के पास अपराधियों ने देर रात एक दवा व्यवसायी को गोली मार हत्या कर दी है। जानकारी मिली है कि दवा व्यवसायी फारबिसगंज से अपने घर राघोपुर लौट रहा था। इस दौरान दुवनिया नहर के पास अपराधियों ने घेर कर उसे गोली मार दी। उसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक अभिषेक कुमार शाह राघोपुर में अपने पिता के साथ दवा का व्यवसाय किया करता था और वह पेशे से इंजीनियर भी था, जिसने हरियाणा से एमटेक की डिग्री भी ले रखी थी। मृतक के पिता रोशन कुमार ने बताया कि वे अपने गांव से बारात में भाग लेने जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र अभिषेक फारबिसगंज गया था। इस दौरान वह नेपाल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही अपनी बहन से विराटनगर में मिलकर वापस राघोपुर लौट रहा था। इसी दौरान ये घटना हुई। घटना की सूचना पाते ही प्रतापगंज पुलिस जांच में जुट गई है। दरअसल हाल ही में इसी दुवनिया नहर के पास प्रतापगंज के पूर्व प्रमुख के छोटे भाई की भी गोली मारकर एक सप्ताह पूर्व हत्या कर दी गई थी, जिसका भी अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। दवा व्यवसायी की हत्या के विरोध स्थानीय लोगों ने राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार में NH57 व NH106 सड़क को जाम कर दिया है। आक्रोशित लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम से बाजार में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। न्यूज़ तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।